मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए काफी एक यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेके आया हूँ, जो कि एक एक्सटेंशन कोड है, ऑब्वियसली एक्सटेंशन कोड। देखिए, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई एक्सटेंशन कोड लें या फिर जिस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड्स भी कह सकते हैं इसको, तो इसको आप ले तो एक अच्छा खासा दामी ले या फिर जो है ब्रांडेड ले। दामी कहने का ये मतलब है कि मेरा, जैसे कि आप कुछ जो आपके कॉस्टली गैजेट्स हैं, लाइक लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ या फिर कैमरा एक्सेट्रा, जैसे कि मैं अभी यूज़ करता हूँ, तो वो सब सारे जो काफ़ी ज़्यादा दाम किया, तो उसको सेफली चार्ज करना एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स जो है उसमें शॉर्ट सर्किट एक्सेट्रा ना हो, उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज आपको उन गैजेट्स में ना हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक आप अच्छे गुड ब्रांडेड एंड गुड क्वालिटी वाले एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करें। सो आज के इस वीडियो में मैं विप्रो की तरफ से जो एक एक्सटेंशन कोड है, बोर्ड है, उसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एंड इसका रिव्यू देने वाला हूं। सो आप वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर बताओ ना। ऑब्वियसली इस टाइप से टेक्स अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, इसके अलावा भी मैंने कुछ सस्ते ऐसे जो एक्सटेंशन कोड्स है उसके बारे में भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दी है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की पैकिंग्स बॉक्स में आती है, जहाँ पे ऊपर में ही आपको विप्रो की एक लोगो के साथ यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है एक्सटेंशन बोर्ड। एंड ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसके ऑल ओवर में इसके स्पेसिफिकेशंस एक्सेट्रा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप, मैं इसे दिखा दूँ कि ये एक इन यूनिवर्सल सॉकेट है, जो कि अंदर में आपसे मैं शेयर भी करने वाला हूँ। 2 मीटर की कॉर्ड है, लेंथ जो है काफ़ी एक यूजेबल है 2 मीटर, अगर ये 3 मीटर होती तो काफ़ी अच्छी है, बट 2 मीटर इज इनफ फॉर यूज़। और यहाँ पे जो है थर्मल ट्रिप है, जिससे कि आपका जो सॉकेट है शॉर्ट सर्किट एक्सेट्रा जो है उससे होने से बचाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है सेफ्टी शटडाउन टेक्नोलॉजी मिलती है, कि लाइक अगर इसमें कुछ भी ऐसा शॉर्ट सर्किट या ओवर हीटेड होती है या फिर ओवर एक्सटेंशन इसमें कुछ भी अगर होता है, तो वो तुरंत यहाँ पे इसको ऑटो ऑफ कर देती है, ठीक है। चाइल्ड सेफ्टी स्टफर है, इसके बाद से यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो वर्टिसाइज डिज़ाइन है और फायर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टर इसके साथ आती है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। 2 मीटर की वायर के साथ ठीक ठाक ही है। एंड यहाँ पे इसे मैं बाहर निकाल लूँ, सो ये देखिए कुछ इस तरह से आती है ये निकल के। तो अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कहूँ, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जो कि एक ग्रे एंड वाइट के कॉम्बिनेशन कलर में आती है। एंड आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि सॉकेट, हो सके आपको नहीं दिख रही होगी, बस सॉकेट यहाँ पे अंदर जो है वो कवर्ड है, लॉक्स है, कि लाइक अगर कोई भी चार्जर एक्सेट्रा, जब इसमें आप, अभी मैं दिखाने वाला भी हूँ, जब भी इसमें आप इस तरह से अटैच करेंगे ना, तो देखिए पहले यहाँ पे ये थोड़े अटकेगी, उसके बाद एक साउंड होगा, ये जो क्लिकिंग साउंड है ना, इसके बाद जा करके वो पूरी तरह फिक्स इसमें ये इसके बाद अटैच होगी, जो कि यहाँ पे एक कवर है प्रोटेक्शन, जाके इसमें आपका कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो ना पड़े एंड धूल मिट्टी से भी बची रहे। तो चलिए अब इसके हम वायर की क्वालिटी की बात करें, तो वायर की जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें आपको यहाँ पे लिखी हुई भी मिल जाती है, जो कि एक ग्रुप पावर केबल एंड ISO है, ISO सर्टिफाइड है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है 4 सॉकेट्स मिल रहे हैं 3 पिन्स के, एंड इसको आपको 2 पिन भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक पावर बटन है एंड यहाँ पे एक पावर सेफ्टी जो आपको मैंने बताई अभी सिस्टम्स वो वाली है। अब इसकी रही बात टेस्टिंग की, तो इसे टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए, टेस्टिंग करने के लिए मैं और एक एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक लो बजट में है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना हुआ है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पे करते हैं प्लग इन एंड पावर सप्लाई करने से ही देखते हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट आपको दिख रही होगी, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और ये मैं इसे ऑन किया। अब ये मैं सभी चार्जर को यूज़ करने वाला हूँ, इसको टेस्ट करने वाला हूँ इसके थ्रू। तो देखिए वर्क कर रही है, अगेन वर्किंग वर्किंग वर्किंग,
मतलब इसके चारों सॉकेट्स जो है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, एंड जो बटन्स यहाँ पे थी पावर सॉकेट, इसको आप प्रेस करेंगे तो फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता है, बट जब भी इसमें ओवर हीटेड या फिर जो है इसमें ज़्यादा कम पावर लोड सेटिंग ऐसा कुछ अगर इशू होता है शॉर्ट सर्किट, तो ऑटो ऑफ कर देंगे, इसको जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में, विप्रो की जो है ऑब्वियसली ब्रांडेड चीज़ है जो कि एक पावर स्ट्रिप, सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड यहाँ पे टू हुक्स है जिसके थ्रू आप इसको अगर वॉल में भी अगर लगाना चाहते हैं, कहीं पे स्टिक करना चाहते हैं, तो उसको आप हैंग आउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।